अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे चिकन आलू कीमा। तो चिकन आलू कीमा बनाने के लिए हम चलेंगे अपने किचन की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज की रेसिपी। चिकन आलू कीमा बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इजी रेसिपी बनाया करें ताकि आप गर्मी से बच सकें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम हाफ कप ऑयल। इसमें डालेंगे हम दो मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है इसको हमने। प्याज हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं लाइट से, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। प्याज जब भी आप फ्राई करें तो फुल फ्लेम पे करें, क्योंकि जब हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छे फ्राई नहीं होते और ऐसे नरम से हो जाते हैं। बस इतना सा कलर हमने प्याज का ब्राउन करना है। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है फ्राई हो गया। यहाँ पे हमने कीमा लिया है चिकन का 1/2 kg, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कीमे को हम इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है कीमे का चिकन का वो भी इसके साथ फ्राई हो जाए। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जब आप रेसिपी बनाते हैं तो किचन में आने से पहले आप अपना मूड जो है वो बहुत अच्छा रखा करें, क्योंकि जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। वरना अगर हम कभी टेंशन में बनाएं तो हमारा माइंड ही ब्लैंक हो जाता है और हमें याद भी नहीं रहता, काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं कभी कभी मसाले डालना। तो मूड अच्छा बना के किचन में आया करें, ये भी एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। क्योंकि कोई भी हम जब काम करते हैं अच्छे मूड के साथ तो एक तो वो जल्दी हो जाता है, दूसरा वो बहुत अच्छा होता है। कीमे को मैंने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, उसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। चिकन का कीमा है ये, वैसे भी बहुत नाजुक का होता है, बहुत जल्दी ये पक जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon की इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 teaspoon इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया और टमाटर का पानी और जो कीमा है इसी में गलेगा। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल लें, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ड्राई बनाऊंगी। टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो गया, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून दही और फ्लेम मैं लो टू मीडियम करूंगी, क्योंकि दही जब हम डालते हैं तो चीटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं तो फिर हाथ हमारा जो है वो चलता है। तो आप भी एहतियात के साथ डाला करें चीज़ें, जो नए बनाने वाले हैं उनको एहतियात से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस होता है वो तो अच्छे तरीके से बना लेते हैं, लेकिन जो नई बच्चियाँ सीख रही हैं वो थोड़ा एहतियात से फ्लेम जो है उसको लो टू मीडियम से ज़्यादा ना किया करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, मौसम यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन इनडोर बहुत गर्मी है, आउटडोर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा है, लेकिन फिर भी किचन में जाते हुए बहुत गर्मी लगती है, यानी कुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी में ऐसे खाने बनाएं जो बहुत जल्दी बन जाए और आपको ज़्यादा देर जो है वो किचन में खड़ा ना होना पड़े। दही का पानी भी ड्राई हो गया, उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है कीमे के साथ। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आलू
दो बड़े मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने बहुत बड़ा नहीं काटा, छोटे साइज में काटा मैंने, और इसके साथ मैं इसे फ्राई करूँगी। और आलू को भी मैंने इसी घीमे के पानी, दही और टमाटर के पानी से ही पकाना है। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपने करना है तो आप कर लीजिए, ग्रेवी बनानी है, क्योंकि मुझे ये जो है आलू घीमा ड्राई ड्राई अच्छा लगता है। आलू को मैंने, आलू कीमा को मैंने कवर कर दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छी तरह से पक रहे हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी, सूखी मेथी। आज धनिया मुझे नहीं मिला था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और धनिया को ला के रखें तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो हालांकि मैंने काट के फ्रिज में रख देती हूँ उसे पेपर में लपेट के, फिर भी आज नहीं था मेरे पास, तो मैं इसमें सूखी मेथी जो है वो डाल दूँगी 1 टीस्पून, और साथ ही इसके मैं 2 बड़ी हरी मिर्ची उनको मैंने इस तरह काट ली है, इसको मैं डाल दूँगी। और ये मिर्चें जो हैं रेड वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये फ्रिज में पड़ी पड़ी रेड हो गई थी, तो ये मुझे सालन में बहुत अच्छी लगती हैं, तो इनको भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसे दम पे मैं पकाऊँगी। मज़ेदार सा कीमा हमारा आलू कीमा रेडी हो गया है। आलू कीमा हमारा माशाल्लाह से पक चुका है, और आलू भी इसके गल चुके हैं अच्छी तरह से, इसको चेक कर लेते हैं। और जब हम आलू के अंदर पानी ऐड नहीं करते तो आलू हमारे खाने में रोस्ट हो जाते हैं, तो रोस्ट पका हुआ आलू जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब आप किसी भी सब्ज़ी में आप पानी नहीं डालें, टमाटर और दही से उसको पकाएंगे, तो आलू जो हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्लेम हम करते हैं ऑफ, और आलू कीमा हम करेंगे डिश आउट। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि आज मेरे पास धनिया नहीं था, तो धनिए के बगैर डिश हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो मज़ेदार सा आलू कीमा हमारा रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद उसे लाइक, शेयर और कमेंट किया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।